हेलो स्टूडेंट्स, कॉमन एमिटर है ना, एम्पलीफायर है और एनपीएन वाला है, ठीक है। फेज डिफरेंस बताना है इनपुट और आउटपुट, प्योरली थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। आप देखोगे तो एक एनपीएन बना रखा है, एक रफ सा हम लोगों ने एनपीएन, और कॉन्फिगर करना है इसको एम्पलीफायर के हिसाब से। तो रफली अगर पढ़ोगे तो क्या कहोगे कि सर एमिटर को ग्राउंड कर लेते हैं और ये साइड हो जाएगा आउटपुट, और इस एंड को आप लोग क्या बोलोगे, इनपुट। जैसे मैं यहाँ पे अगर इनपुट लिख दूं और इस एंड पे हम लोग आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं ये वाले, ठीक। आउटपुट में एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं स्पीकर वगैरह जनरली, जो इनपुट के साइनसोइडल वेव को एम्पलीफाई कर सके। ये साइड रिवर्स बायस जाएगी, तो आप लोग इसको इस तरह से समझते हो, हमेशा से एक बड़ी बैटरी लगानी होती है हमें। कंसेप्ट हम लोग थ्योरी में पढ़ के आते हैं, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, और ये कलेक्टर पे है तो नाम हो जाएगा VCC। मैं यहाँ पे लोड लिख देता हूँ। इस एंड पे एक इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ही मार्जिनल सा बनाना पड़ता है या ज्यूम करना होता है, और आप समझते हो कि ये एक सप्लाई है जो इनपुट सोर्स का काम करेगी, और बायसिंग करने के लिए हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये वाली बैटरी को अपन बुलाएंगे VOFPB। इनपुट हो गया और बच्चों यहाँ पे आउटपुट हो गया, और अगर मैं गेन लिखूं, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना था अपन को, गेन लिखा नेगेटिव होगा और ये हो जाएगा बीटा ऑफ लोड डिवाइड बाय आर ऑफ इन, और थ्योरेटिकली होता है ये आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। यहां पे नेगेटिव का साइन है और यही आपका आंसर है बच्चों। नेगेटिव का साइन ये बता रहा है कि इनपुट में अगर एक रफली ये जो सोर्स दिया आपने साइनसोइडल होता है, अगर ये इस तरह का दिया जाए, स्मॉल सा लो पावर लो करंट का सोर्स देते हो अगर टाइम वेरिंग साइनसोइडल, तो जो आउटपुट है वो आपको एम्पलीफाइड तो मिलेगा, 200-300 टाइम्स एम्पलीफाई तो कर देता है वो, बस एम्पलीफाई होने के साथ साथ उसका फेस भी 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। दिस नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट इनपुट एंड आउटपुट हैव अ शिफ्ट ऑफ 180। इसका आंसर पढ़ते ही अपन को फॉर्मूला याद आना चाहिए और ऑप्शन 4 यहाँ पे मार्क होगा। ये रफ अपन ने एम्पलीफायर पढ़ लिया है, ठीक है। सिर्फ ये दोनों बातें भी बच्चे लोगों को याद होती हैं कि सर इनपुट होगा और ये आउटपुट होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।